Welcome on my YouTube channel. I am CM sir and you are my lovely, lovely students. I have taught you about the body parts, many things like as a spinal cord, nervous system and respiratory system, transportation, it's what most important part in our body is. Is what is who control all us and all functions of our body, which card is brain. That is called brain. First part you have seen about the brain, and now is second part of brain. What is brain? Brain is the main thinking power of our body, presented in our head. Do you know? Presented in our body, but it divide in two parts. What are their part? First part is right side and second part is left side. Right side is called what called? Right side is called right hemisphere and left side is called left hemisphere. We can say in other words, our brain is divided in two hemispheres. And what is the position of brain? We are studying here. Do you know? You are watching this side is our right. What we study and this left side. Change the position of man back side like as me. That side is right and that side is left. We can say this right side and this side is left side. Clear? And same I have told you about my position and we study back side. Okay, about the brain. You can see this position of brain. Make a diagram. You are watching this structure of brain, cerebellum, pituitary glands, cerebellum and many spinal cord and pituitary glands. These are hypothalamus, this is hypothalamus, midbrain, cranium is called spinal cord and pituitary gland. And hind brain mein kya kya hota hai? Hind brain mein medulla, cerebellum, pons and spinal cord. मैं इसके बारे में आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ, आई हैड इन फर्स्ट वीडियो. और टुडेज टॉपिक इज अवर फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन. ये क्या है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हेड ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन से जाने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करते चलते. हेयर वी आर सींग इट इज़ द मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी. इट इज़ अवर ब्रेन. ब्रेन वॉट इज? इट इज़ ए मैन थिंकिंग पार्ट. मैन थिंकिंग पार्ट. अब ये वेयर इज प्रेजेंट इन अवर हेड. वेयर इज प्रेजेंट ब्रेन इन अवर हेड. वी कैन से अवर ब्रेन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, लेफ्ट एंड राइट पार्ट. दिस इज लेफ्ट पार्ट, दिस इज राइट पार्ट. वी कैन से फर्स्ट पार्ट इज राइट हेमिस्फीयर, सेकेंड पार्ट इज लेफ्ट हेमिस्फीयर. फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आर कॉल्ड हेमिस्फीयर. टू हेमिस्फीयर. व्हाट आर टू हेमिस्फीयर? राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइट हेमिस्फीयर एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर? यू आर वॉचिंग दिस. आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, राइट हेमिस्फीयर. अब हमारा ब्रेन जो है उसका जो पार्ट राइट साइड वाला जो है उसका कौन कौन से फंक्शन करते हैं, उसमें क्या क्या होता है? उसमें क्रिएटिविटी होती है, इंटेंशन होता है, एराइज होता है, फीलिंग होती है, इनजेशन होता है, इनजेशन. और इधर वाला लेफ्ट साइड वाला क्या करता है? जितने भी मत्था पच्ची वाले काम होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो सब लेफ्ट हेमिस्फीयर से होता है. कौन से वाले से? लेफ्ट हेमिस्फीयर. एनालिसिस, लॉजिक, आइडिया, मैथ, ट्रेनिंग. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? अब हम कह सकते हैं जो भी मौज मस्ती, मतलब थोड़ी इस तरीके से कह सकते हैं कि जिसमें हम बोर नहीं होते हैं, इन्जॉय के साथ जिसे ज़्यादा लोग करना चाहते हैं, जैसे
कॉमेडी हुई है या पेंटिंग हुई है, डांस वगैरह, म्यूजिक वगैरह, सब इसमें राइट हेमिस्फीयर में होता है, जैसे ड्राइविंग हुई है, स्कीइंग हुई है। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है, जिसमें जैसे पोइट लोग आते हैं, फिलोसोफर लोग आते हैं, साइंटिस्ट लोग आते हैं, डॉक्टर्स लोग आते हैं, तो इस साइड में आते हैं, ये लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर, ये ब्रेन ज़्यादा वर्क करता है इस वाले काम में। ओके, एंड आवर ब्रेन पुट इन स्कल, स्कल बोन। व्हाट इज द स्कल बोन? इसको इस स्कल दैट स्कन बी कैन से स्कन बोन, स्कन बोन प्रोटेक्ट, व्हाट प्रोटेक्ट? आवर ब्रेन। व्हाई प्रोटेक्ट आवर ब्रेन? जस्ट लाइक एज एम वी फील वी गिव द वैल्यू लाइक एज ए कम्पेयर टू ए मैन, हम अगर उसकी कंपेयर ह्यूमन बींग से करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम वी पुट इन ए कार एनी पर्सन इन डिग्गी साइट, मतलब उसके एक बॉक्स जो डिग्गी साइट होती गाड़ी के पीछे में, उसको किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। और वी ड्राइव आवर कार वेरी फास्ट एंड स्लो, फास्ट एंड स्लो, टेक द ब्रेक एंड लेफ्ट द ब्रेक, हम बार बार ब्रेक लेते हैं, बार बार छोड़ते हैं और बहुत राउंड एंड राउंड मूव आवर कार, और हम उस कार को घुमाएं बार बार तरीके, एंड दैट टाइम इन योर माइंड क्रिएटिंग ए फिल्मी सीन, आर यू वॉचिंग इन योर इमेजिनेशन ए कार राउंडिंग राउंडिंग, आर यू? यस या नो? मेरा कहने मतलब इस समय आप वहाँ पर पहुँच गए कि जब कोई, जब एक विलेन या कोई इसको उठा के ले जाते, गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं किसी व्यक्ति को, और फिर बहुत बहुत तेज़ से भगाते हैं और फिर एकदम धीरे कर लेते हैं ब्रेक, तो इससे क्या होता है, और राउंड राउंड घुमाते तो उसको थोड़ी देर बाद निकालो तो क्या जगह, ही विल रीच इन वेरी सीरियस कंडीशन एंड पोजिशन। तो वो किस में पहुँच गया, बहुत उसको राउंड राउंड चक्कर खिलाए इस तरीके से आया तो बेकार, उसको चोट भी लगी होगी, चोट भी लगेगी, जाहिर सी बात है। जस्ट लाइक एज ए ब्रेन आल्सो पुट इन अवर हेड बी पुश अप एंड हाई अप, हम उछलते कूदते हैं, धक्का देते हैं और चलते फिरते रहते हैं, मैंने एक्शन बी डू अलॉट ऑफ एक्शन इन ए डे, हम बहुत से एक्शन एक दिन में करते हैं, एंड आल्सो अवर ब्रेन नॉट, अवर ब्रेन डज नॉट एनी गेट हार्म, और हमारे ब्रेन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है और कुछ नहीं होता है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट? बिकॉज हु इज प्रोटेक्टिंग अवर ब्रेन? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है कौन? स्कल बोन प्रोटेक्ट कर रहा है। वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है हम आपको बताते हैं। यू आर वॉचिंग दिस शेप इज अवर ब्रेन अपर, ये क्या होता है, ये हमारा स्कल बोन होता है। और स्कल बोन है क्या, ये क्या है, इट इज़ ए मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का क्या है, ये कवरिंग एरिया, कवर जैसे लाइक एज ए हेलमेट टाइप का। यू कैन सी अवर स्कल एंड स्कल बोन प्रोटेक्शन, इसका प्रोटेक्शन कैसे होता है, इसमें स्कल बोन होती है। फिर उसको आता है क्रेनियल मेनिनजाइस, क्रेनियल मेनिनजाइस में ये तीन चीज़ों से बना है, कौन से, ड्यूरा मैटर से बना है, ऑर्कनाइट से बना है और पिया मैटर से बना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्कल बोन हुई है और ये वाइट वाइट है, ये क्या है, स्कल बोन है। ओके, ये स्कल बोन है और ये क्या है, ब्लू ब्लू पे हमने डार्क किया है, ये ड्यूरा मैटर, ये ऑर्कनाइड है, ये हमारा ये ड्यूरा मैटर का, ये पिया मैटर है, ये सेरिब्रम है और ये रेड से क्यों, ये ब्लड वेसल्स है। और इसमें सबस्टेंस क्या है, इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड भरा हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है कि स्कल, हेलो स्कल बोन, आर यू वॉचिंग? स्कल बोन, स्कल बाद क्रेनियल मेनिनजाइस आर थ्री ऑर्गन, ड्यूरा मैटर, ऑर्कनाइड एंड पिया मैटर। उसके बाद क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स हमने बताई थी, ये है ब्लड वेसल्स। ओके, और उसके बाद क्या है, सेरी ब्रम है। क्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ स्कल बोन? यू कैन सी अगेन स्ट्रक्चर ऑफ स्कल बोन, हाउ मेड इट एंड हाउ प्रोटेक्ट्स अवर ब्रेन। वी कैन से दीज आर प्रोटेक्शन हेयर। ओके, आर यू वॉचिंग? क्लियर योर डाउट? आफ्टर डिस्कसिंग द प्रोटेक्शन नाउ वी डिस्कस फोर ब्रेन। वॉट आर द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन? यू डोंट नो, आई एम टेलिंग यू। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड
organ of brain. We can say that is also cerebrum. Cerebrum have presented and action are here voluntary action. In last video I have taught what are the voluntary action. What voluntary action? These are be controlled by our brain. Okay, that is depend on our will. ये हमारी इच्छा पर, हमारी डिज़ायर पर निर्भर करते हैं कि हम उन एक्शन, हम आपको पढ़ा रहे हैं. आई एम टीचिंग यू, आई कैन स्टॉप इट, आई कैन नेवर टीच यू, आई कैन नॉट टीच. मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ा भी सकता, मैं कभी नहीं. दैट इज डिपेंड ऑन अवर विल. ये हमारी विल के ऊपर निर्भर करता है. तो इस एज टाइप एक्शन आर कॉल्ड, व्हाट आर कॉल्ड? वॉलेंट्री एक्शन. से फोर ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शन. You can see here forebrain. Forebrain has also is cerebrum and voluntary action controls. Clear? You can see here it is the most complex or specialized part of the brain. It is a part. What is forebrain? Part of which brain? It is a part of the brain. What? Forebrain. Forebrain is the part of brain which type complex and specialized. It consists of cerebrum. अब इसमें होता क्या है? Cerebrum होता है. Okay? Now we discuss. What discuss? The function of forebrain. अब हम forebrain के function के बारे में क्या करेंगे? Discuss ही करेंगे, बताएंगे क्या करता है. You are watching here this cerebrum. Forebrain, it is the part of brain. ये forebrain में ही क्या होता है? Forebrain, it consists cerebrum. Forebrain में हमारा क्या होता है? ये cerebrum होता है. It consists, consist, what consists? Cerebrum. Forebrain consists of cerebrum. And what is the function of cerebrum or forebrain? Forebrain का ये function कौन सा होता है? थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये मतलब ब्रेन का जो होता है थिंकिंग पार्ट होता है. कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस. हमने आपको पहले ही बताया वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं. थर्ड स्टोर इंफॉर्मेशन मेमोरी. वी कैन से ऑल द इंफॉर्मेशन इट कलेक्ट आर स्टोर्ड इन इट. और ये सेरिब्रम क्या करता है? अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन का या डाटा, जैसे लाइक एज ए कंप्यूटर, लाइक एज ए मोबाइल की तरह, ये मेमोरी है. ये क्या? हमारी मेमोरी, सारी इंफॉर्मेशन इसी में होती है. And what is the other action? Fourth action, receives sensory impulses from various part of the body. हमारी, हमने आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताया था, न्यूरॉन के बारे में बताया था. तो न्यूरॉन में सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस क्या होते हैं? तो आप देख लेना लास्ट वीडियो में. सेंसरी, इट रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस और सिग्नल मैसेज एनीथिंग. कहाँ से ये गेट करता? From various part of the body. हमारी part के different part we have. Also that he takes the information and integrate it. और एक चीज़ और इसकी बहुत अच्छी quality, center associated with hunger. जो भी हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये हमारा क्या है? ये उससे भी कुछ related होता है. अगर हम कहीं किसी काम में ज़्यादा busy हैं, हम बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तो हम उस समय अपनी भूख, अगर ये किसी टेंशन में है या कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तब भी ये हमारा ये सेरिब्रम का ही काम होता है. तब हम उस टाइम खाना वाना नहीं खाते, ऐसे छोड़ो, बड़ा नखरे दिखाते हैं इस टाइप के. तो ये इसका जो सेंटर एसोसिएटेड विद हैंगर से भी होता है इसका. आफ्टर द डिस्कशन ऑफ फोरब्रेन, नाउ वी टेक ए न्यू पार्ट ऑफ ब्रेन. सेकेंड पार्ट इज हिंड ब्रेन. वाट इज हिंड ब्रेन? मिड ब्रेन. इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं. ये मिड ब्रेन क्या होता है? ये होता है हिंड ब्रेन होता है. तो लाइक यू आर वॉचिंग दिस हिंड ब्रेन इज, व्हाट इज हिंड ब्रेन? मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इज एंड ही कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन. और ये इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, हम आपको बताते हैं. यू कैन सी फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये हमारा क्या है, ये हम आपको आगे बताते हैं. इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. और ये हमारा ये पोन्स है, ये क्या है? ये पोन्स होते हैं, ये किसके पास होते हैं? स्पाइनल कार्ड से क्या कनेक्टेड होता है? मेडुला होता है. फिर ये एक फ्लावर जैसा हमने बताया था मॉर्निंग में, क्या
सेरिब्लम होता है। सेरिब्लम क्या होता है अभी बताते। यू कैन सी इन दिस पिक्चर यू फ्लावर लाइक दिस स्ट्रक्चर हियर, यू आर वॉचिंग दिस फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ ए सेरिब्लम। ये क्या है सेरिब्लम? ये हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये यहाँ पर पॉन्स है और ये यहाँ पर मेडुला है। ये मेडुला ये यहाँ पर है और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। ये हाइपोथैलेमस है और ये हमारा था मिड ब्रेन के पार्ट्स। और ये क्या है? क्रेनियम स्कल। हमको पढ़ाना कौन सा पार्ट है? हिंड ब्रेन। जी ये पॉन्स के बारे में, मेडुला के बारे में और सेरिब्रम के बारे में। यू कैन सी व्हाट यू कैन सी? पॉन्स, दिस इज ए पॉन्स एंड दिस इज ए मेडुला एंड फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर गोभी जैसा। ये क्या होता है? ये सेरिब्लम होता है। यू कैन सी मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन एंड एक्शन इन वॉलेंट्री एक्शन पार्ट्स आर 3, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स। तो हिंड ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। सेरिबेलम है, दूसरा क्या है? मेडुला है, तीसरा क्या? पॉन्स है। यू अंडरस्टूड द पोजिशन ऑफ मेडुला, पॉन्स एंड सेरिबेलम एंड फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, वेयर इज लुक प्रेजेंटेड इन अवर ब्रेन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ देम, दैट इज क्लियर। एंड वी आर डिस्कसिंग नाउ हियर इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉन्स, दे हैव अ डिफरेंट टाइप फंक्शन। Now we are talking about cerebellum. Cerebellum क्या? Just like as a flower in our brain. This you can see this cerebellum. You are looking this flower like structure in our brain. ये हमारे brain में क्या है? ये फूल जैसा, फूल गोभी जैसा जो structure दिख रहा है ना, जहाँ पर हमारा ये point है, marker है, तो ये क्या है? ये सेरिबेलम है। अब इसके फंक्शन क्या है? अब ये सेरिबेलम क्या करता है? ये कंट्रोल पोस्चर एंड ए बैलेंस। जब हम कोई बाइक वगैरह कुछ चलाते हैं तो हमारी बॉडी, या जो हम चलते हैं, हम ऐसे यूं चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है। मतलब इट मीन्स कह सकते हैं कि ये बैलेंस बना के रखता है, हम बिल्कुल इधर उधर नहीं होते। तो क्या कर रहा है? कंट्रोल पोस्चर एंड द बैलेंस इट प्रिसेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। और जो हमारा वॉलेंट्री एक्शन करते हैं तो उसमें हमारे बैलेंस वगैरह बना रहे। जैसे हमने पेन तो पकड़ लिया, अब पकड़े तो है तो हमारा बैलेंस ऐसे लिखना चाहें तो इधर उधर हो जाएगा, तो बिल्कुल हम हैंड राइटिंग में अच्छा सा लिख रहे हैं। तो ये क्या है? पेन को पकड़ना, ये भी हमारा ये वर्क किसका? ये स्टेम कौन कर रहा है एक्शन? तो हमारे ब्रेन कौन सा पार्ट कर रहा है? तो सेरिबेलम कर रहा है ना। तो इसका सेरिबेलम का एग्जाम्पल क्या था? जैसे पिकिंग पेन। अब सेकेंड इज मेडुला। मेडुला व्हाट इज? कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा रिस्पायरेशन हो रहा है, हम O2 कम इनसाइड एंड CO2 आउटसाइड, हम हमारा जो सांस लेना, इसे ऑक्सीजन को ले लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, मैनी केमिकल एक्शंस और रिएक्शन इज गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, जैसे सेल्स अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके का क्या कर रहा है? इन सबको कंट्रोल्स करता है। ये इन्वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, अब ये कैसे कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर कहीं बहुत तेज़ हो गया तब भी गए, और बिल्कुल ब्लड प्रेशर होने ही कतई ख़त्म हो जाए तो पंप करना छोड़ दे हमारा, तब भी हमारा काम हो गया, गए, समझ में आ गया। एंड सेलिवेशन क्या होता है? हमारी ग्लैंड से जो क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। अब हर वक्त सलाइवा निकलता रहे, मुँह में पानी आता रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो भी गड़बड़ है। अगर बिल्कुल ना आए और मुंह में हम खाना डाले, बिल्कुल सलाइवा ना निकले, तब भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो इसको भी ये कंट्रोल करता है। कौन करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। एंड वोमिटिंग, जो हमको वोमिटिंग आती है, उल्टी आती है, इस पर भी ये कंट्रोल करता है। कौन? और इनके अलावा इन पर ही नहीं, बहुत चीज़ों पर जो भी इन्वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, उन सब इन्वॉलेंट्री एक्शंस को ये मेडुला क्या करता है? कंट्रोल करता है। एंड थर्ड पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। और तीसरा जो इसका पार्ट होता है हिंड ब्रेन का, ये क्या करता है? वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, जो भी हमारे अंदर रिस्पायरेशन सिस्टम चल रहा है। इनवॉलेंट्री एक्शंस, रेगुलेशन एंड रिस्पायरेशन, दैट इज क्लियर। आफ्टर द हिंड ब्रेन वी डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्स। व्हाट इज रिस्पॉन्स?
हम कहते हैं भी मैंने इसके साथ उसको मैंने उसको ऐसा बोला, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हेलो, नो एनी एक्शन। ए बॉय वेन इन द वे एंड ए गर्ल, ओके डू यू अंडरस्टैंड एंड नो गिव रिस्पांस। वो कहते यार रिस्पांस नहीं दे रहे यार, इतने दिनों से हम पीछे पीछे जा रहे हैं, कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा। तो वो इस रिस्पांस की बात नहीं कर रहे हैं, रिस्पांस वो दो तीन टाइप के हैं। हम आ जाते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड। रिस्पांस आर थ्री टाइप। रिस्पांस मीन्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, आई हैव टोल्ड यू, एंड रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन वी कैन कंट्रोल देम, दैट इज डिपेंड ऑन अस, ये हमारे ऊपर, एंड इट इज डिपेंड ऑन अवर विल, हमारी विल पर। इनवॉलेंट्री एक्शन वी कैन नॉट स्टॉप और कंट्रोल देम, हम उनको नहीं रोक सकते। रिफ्लेक्स एक्शन ए सडन एक्शन, कोई एकदम आपको कोई क्या आ जाए, आपको गर्म चीज़ छुआ दे, या कोई लाइक है जो स्नैक आपको पकड़ा दे, एकदम थ्रो कर दोगे और रन अबे, और इस तरीके से क्या, अगर कोई हिट कर दे हमार से, मतलब हथौड़ी से आपके पैर में एकदम कोई चोट कर दे, तो आपका पैर एकदम मूवमेंट करने लगा, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिफोर थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई वॉन्ट टेल यू अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो, वॉट इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट्स में हाउ पजेस हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स में हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई डियर स्टूडेंट, बी हैप्पी।